हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आपको पूरा वाराणसी का टूर कराने वाले हैं, एटलीस्ट पूरा तो नहीं बट ऑलमोस्ट, हाँ सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सारनाथ, जो कि बुद्धा का हब है। तो सारनाथ में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं द जायंट बुद्धा, बुद्धा फाउंटेन, बहुत सारे नाम है इसके, और बुद्धा स्टैचू भी इसको बोलते हैं लोग। बट सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग इधर जाके 20-30 रुपये में गाइड मिलते हैं, गाइड कर लें और सारे एरिया के बारे में, सारे स्टैचू जो जो हैं सब जगह का नॉलेज उन लोग दे देंगे। 20-30 रुपया में पूरा ज्ञान मिल जाएगा, एटलीस्ट ब्लैंक तो नहीं रहेंगे आप लोग, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा जगह क्या क्या है। काफ़ी अच्छा जगह है, आप विजिट कर सकते हैं। और ये है अशोका पिलर और ये है आपका गोल्डन टेम्पल, जो कि सब बगल में ही है, एक ही पार्क में ही है, बड़े से विजडम पार्क जो भी पार्क है ये, वो पार्क में ही है। तो काफ़ी अच्छा इसका आर्किटेक्चर था, तो इसीलिए देखने में अच्छा लगा था। ये एक और बुद्धा स्टैचू है, काफ़ी अच्छा है इधर में। उधर से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, पिकनिक बनाने आ सकते हैं, रील्स बनाने भी जा सकते हैं। उसी के अंदर ये सारनाथ डियर पार्क है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स बर्ड्स मिल जाएंगे। तो ऑस्ट्रिच काफ़ी नज़दीक से मैंने पहली बार देखा था इतने, तो इधर में आपको एनिमल्स भी देखने आ जाएंगे। तो काफ़ी ओवरऑल ये सही जगह है, जो भी ओवरऑल इधर में आके टाइम स्पेंड अपना करना चाहता है इधर आ सकता है, काफ़ी अच्छी जगह है। फ्रेंड इधर एक कपल बैठे थे तो उसको बंदर परेशान कर रहा था, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इधर में पता नहीं कौन अजय लिख के चला गया है, तो जो भी है कमेंट करें। और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर था, आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेम्पल है इधर, जो बौद्ध धर्म मानते हैं वही ज़्यादा दिखाई दिए थे इधर। तो ये है आप लोग का धाम एक स्तूपा। तो इधर में आफ्टर डेथ जो भी है अपने, ये है आपका जापानीज टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है सारनाथ में। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी शांत एकदम मस्त साइट वाइट अच्छा है इसका। तो इधर से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं BHU। BHU में जाने से पहले हम लोग कुछ नाश्ता पानी खाना पानी करता हूँ मैं, तो पाव भाजी ऑर्डर करते हैं। ये VT कैफ़े अच्छा है, जस्ट बाहर ही है BHU गेट के, जो आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल है उस टेम्पल के बाहर ही है। तो ये है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो इधर जाने के बाद एक अलग ही वाइब आ जाती है, एक अलग ही माहौल मंजर सा बन जाता है पूरे धार्मिक। तो यहाँ की स्टोरी भी है कि ये जो मदन मालवीय हैं, जो स्टेचू आपने देखा अभी, तो इधर पढ़ने आते थे, एक राजा रहते थे, राजा के इधर पढ़ने आते थे। तो राजा ने उनसे बोला, बेटा तुमको क्या चाहिए? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बोला, मुझे ऐसा बनाना है, मतलब स्कूल बनाना है, विद्यालय बनाना है, जो कि वहाँ पर सब चीज़ का पढ़ाई हो, सब लोग पढ़ सके। तो राजा ने उनको बोला कि जाओ इधर से, राजा थे तो काफ़ी ज़मीन थी उनके पास, तो उन्होंने बोला इधर से तुम जितना दूर पैदल जा सकते हैं वहाँ तक का पूरा ज़मीन तुम्हारा और उसके अंदर में बनाओ। ये मुझे ऑटो वाले ने, जिस ऑटो को हमने बुक किया था उसने बताया था। तो तभी ये 14 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा BHU। तो ऑटो वाला ने बोला, फिर लोकल लोग भी बोलते हैं कि एक दिन में बनारस का BHU कोई नहीं घूम सकता। उसके बाद इधर में कैमरा ले जाना मना था, फिर भी मैं कैमरा लेके चला गया था, बाद में पंडित ने रोका तो मैं मान गया था। तो इधर का नज़ारा BHU का, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल BHU का काफ़ी अच्छा था। लोग इधर आए थे पूजा पाठ शांति बैठ के आराम कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, साउथ के लोग काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे, क्योंकि उस टाइम अन्नपूर्णा टेम्पल भी खुला हुआ था। काफ़ी अच्छा जगह है, मस्ट विजिट है, एक बार जा सकते हैं। काफ़ी सुकून शांति ठंडा और एक अलग ही माहौल बन जाता है दिमाग शांत करने वाला। BHU से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं त्रिदेव मंदिर, त्रिदेव टेंपल, जो कि आपका तुलसी मानस मंदिर के सामने ही है। त्रिदेव मंदिर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हनुमान जी, सीता जी और खट्टू जी महाराज को डेडिकेट किया गया है मंदिर। तो इधर अंदर मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग था, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी थी और लोग भी काफ़ी अच्छे थे, पंडित वगैरह सब अच्छे थे। तो जब भी आप जाएँ तुलसी मानस टेम्पल तो जाएंगे ही, तो उसके पास ही है ये, तो ये भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकलने के बाद आ जाते हैं तुलसी मानस मंदिर में। तो तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म से महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरित्र मानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में
हिंदू कवि संत सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसी स्थान पर लिखा गया था, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हिंदू, मतलब क्या बोलते हैं, हिंदू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये। तो ये राम सीता का मंदिर है, तो अब आप अगर वाराणसी आएंगे तो इधर तो ज़रूर आना है। तो उसके बाद उधर से निकलने के बाद हम लोग चले जाते हैं दुर्गा मंदिर की तरफ। तो ये दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर और दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है और यहाँ माँ दुर्गा को समर्पित है। दुर्गा मंदिर का निर्माण मतलब 18वीं शताब्दी के टाइम में हुआ था, नटोर की रानी भवानी ने करवाया था इसे, मतलब बनाया था। तो इधर की भी मान्यता, लोग काफ़ी मतलब महिलाएं काफ़ी इधर थी जब हम लोग गए थे, तो इसका भी मतलब क्या बोले, काफ़ी अच्छा पवित्र जगह में से एक है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो अंदर का सीन आपको नहीं दिखा सकते थे, कैमरा अलाउ नहीं था इसका। तो दुर्गा मंदिर संकट मोचन रोड पर दुर्गा कुंड से सटे तुलसीमानस मंदिर से 250 मीटर के आसपास है। तो उधर से निकलने के बाद अभी हम लोग जाते हैं मेन विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, जो नया वाला विश्वनाथ मंदिर बना है अभी। तो उधर में जाने के लिए आप लोग देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा लाइन लगी है, मतलब 200-400 मीटर में लाइन, मतलब 1,000-1,500-2,000 लोग खड़े होंगे लाइन में। तो हम लोग ने वीआईपी टिकट का इंतज़ाम किया, वीआईपी टिकट भी है, तो आप लोग अगर ज़्यादा जल्दी में है तो वीआईपी टिकट में चले जाए। तो उधर से दर्शन करने के बाद, हम कैमरा अलाउ नहीं था, तो दर्शन करने के बाद हम लोग फिर निकल जाते हैं घाट की तरफ, क्योंकि आपको पता है बनारस में घाट काफ़ी फेमस है। तो ये है आपका 80 घाट। तो दीपावली के टाइम में 80 घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि गंगा आरती का समय था। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे तो गंगा आरती स्टार्ट हो चुका था, तो आप लोग देख सकते हैं इधर गंगा आरती का मतलब टाइमिंग है 6:30 से 7 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, और ये अप्रोक्स 45 मिनट तक चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कम से कम 200-500 लोग घूम रहे थे। तो ये 80 घाट का गंगा आरती है। मेन आरती होता है दशाश्वमेध घाट वाली घाट पे होता है आरती, तो वहाँ पे भी आप इसी टाइमिंग सेम टाइमिंग में स्टार्ट होता है 6:30-7 बजे, तो वहाँ आप जा सके देख सकते हैं। और ज़्यादा बेस्ट व्यू चाहिए तो नाव में बैठने के लिए, जो कि आपको 100 रुपया लेंगे चार्ज, मांगते तो 500-600 हैं, बट आप लोग 100 रुपये में भी मैनेज कर सकते हैं, 100 रुपये देंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। तो दलालों से बच के रहिएगा, उन लोग बोलते हैं 500-600, बट 200-100 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया देंगे तो बेस्ट व्यू मिल जाएगा आपको उधर में, जिस चीज़ के लिए मतलब आप जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। गंगा आरती देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो वाराणसी में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में हुई थी, जो कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई थी। तब से ही लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। गंगा नदी के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर बहुत है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती है, लेकिन काशी की गंगा आरती खास होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग गंगा आरती करने और देखने आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल भी हुए होंगे। देश में मुख्य तौर पर गंगा आरती हरिद्वार और काशी वाराणसी में ही होती है, जहाँ दूर दूर से लोग आरती देखने के लिए आते हैं। तो जब भी आप वाराणस जाएंगे तो आरती जरूर देखेगा, और आरती देखने के बाद हम लोग प्रसाद इधर से लिए और उसके बाद निकल गए। तो दिवाली के टाइम था तो सब लोग दिया जला रहे थे, तो हम लोग ने भी दिया वगैरह जलाया था इधर। तो मैंने दिया वगैरह डाल के एक दिया डाल दिया था। तो जब भी आप वाराणसी जाएँ तो यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले कोई एक ऑटो बुक कर लीजिएगा। ऑटो वाला 1,000 से 1,200 लेंगे पूरा दिन का, और पूरा साइट आपको घुमा देंगे। एक दिन के लिए अगर आप वाराणस जा रहे हैं तो किसी भी ऑटो को बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1,000-1,200 रुपया दीजिएगा, 1,200 से ज़्यादा मत दीजिएगा। मांगेंगे वैसे आपसे 2,000-2,500, और किसी को ज़्यादा घूमना है तो मेरे से भी नंबर ले सकता है ऑटो वाले का। 1,200 रुपया में आपको पूरा दिन भर आपको ऑटो से घुमा देगा वो।
लूटने के लिए बहुत जगह 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 पर जाएंगे, तो अगर आप चाहेंगे तो लुटा सकते हैं पैसे। बट ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रिप आपको 3000 में पूरा ट्रिप हो जाएगा, खाना पीना रहना और शॉपिंग वगैरह भी मिला के। शॉपिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो बात अलग है, रहना खाना और घूमना बोटिंग वगैरह और कुछ कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके 3000 में कंप्लीट एक आदमी का हो जाएगा एक दिन का बनारस में। बाकी तो लेने वाले बहुत सारे हैं इधर, बाकी जैसा आपका बजट हो 3000 से लेके 3 लाख जितना हो सब बजट आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग रात को ही निकल गया था, मैं इधर से निकल गया रात को 11:30-12 बजे, ट्रेन थी, ट्रेन से ही आया था, ट्रेन से ही रहना सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।